पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन और पेरकोर कंपाउंड डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने दो टाइप के कंपाउंड को ऑक्सीडाइज किया था। जो पहला कंपाउंड था वो था प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल को हमने एल्डिहाइड कंपाउंड और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया था इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल को भी हमने सबसे पहले कीटोन में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड में ऑक्सीडाइज किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्शियरी एल्कोहल कंपाउंड, ठीक है, तो यहाँ पे हम टर्शियरी एल्कोहल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे तो टर्शियरी एल्कोहल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो यहाँ पे हम टर्शियरी एल्कोहल कंपाउंड लेके चलते हैं, जिसके यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया CH3 कार्बन CH3 CH3OH, ठीक है, दिस इज टर्शियरी एल्कोहल कंपाउंड। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, टोटल कार्बन चार है और टर्शियरी है तो क्या करते हो, टर्शियरी ब्यूटाइल और दिस इज एल्कोहल, दिस इज कॉमन नेम, ये क्या है कंपाउंड का कॉमन नेम है, ठीक है। तो हमें इसको ऑक्सीडाइज कराना है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में K2Cr2O7, मतलब मिक्सर लेकर चलोगे K2Cr2O7 प्लस में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ओ पोटासियम परमैंगनेट प्लस में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में टर्शियरी एल्कोहल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवाना, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, अल्फा कार्बन से OH और मैं बीटा कार्बन से H, ये आपस में कंबाइन करेंगे और क्या एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट और वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएगा एंड इट फॉर्म द डबल बॉन्ड, मतलब अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा एंड इट यू अल्कीन कंपाउंड। ये सबसे पहले अल्कीन कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं, तो देखो कैसे क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स तो बाहर निकल गया, अल्फा और बीटा कार्बन में डबल बॉन्ड बनेगा, तो क्या आएगा बताओ भाई, CH3 कार्बन CH3, ठीक है, अल्फा और बीटा पे क्या आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा CH2, ओके। तो ये बना दिया अल्कीन कंपाउंड और इस कंपाउंड का नाम क्या है, 1, 2, 3, तो क्या आएगा 2 मिथाइल प्रोपीन, ओके। तो ये है, दिस इज अल्कीन कंपाउंड। अगेन क्या करोगे, ये जो अल्कीन कंपाउंड हमें ऑब्टेन हो रहा है इसका अगेन ऑक्सीडेशन, मतलब इसका अगेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 प्लस में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ओ, KNO4 प्लस में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज करवाते हो देन इट गिव कीटोन कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे एक तो कीटोन कंपाउंड मिलेगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड इस कंपाउंड में ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मिक्सर ऑब्टेन होगा, मिक्सर बनेगा किसका, एक तो कीटोन का और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का। कैसे, देखो भाई कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्या करो, ये डबल बॉन्ड ब्रेक आउट कर दो, डबल बॉन्ड किस टाइप ब्रेक आउट करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे मान लो हमें लास्ट बॉन्ड में ऑक्सीजन लेके चले हैं, तो क्या होगा कि जैसे ये दो बॉन्ड ब्रेक आउट होंगे तो बॉन्ड ब्रेक आउट होने के बाद ये जो कार्बन होगा वो सीधा एक ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, तो ये जो कार्बन होगा ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट हो जाएगा देन इट गिव कीटोन कंपाउंड, ठीक है। इन बॉन्ड को ब्रेक आउट करना, दोनों बॉन्ड को ब्रेक आउट करना, एक ऑक्सीजन सीधा इस कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होगा देन इट गिव कीटोन, बड़ा हो जाएगा CH3 कार्बन, ठीक है। अब ये कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्ट है बाई डबल बॉन्ड और ये किसे कनेक्ट है CH3 से, मतलब अपने पास क्या बन गया,
CH3 carbon ion, this is CH3. This is ketone compound, ये ketone compound form हो रहे हैं, plus में यहाँ पे क्या बचा, एक carbon और दो hydrogen. अब यहाँ पे oxygen को large amount में लेके चल रहे हैं, तो क्या करूँ, एक oxygen तो carbon और hydrogen के बीच में addition होगा, दूसरा oxygen केवल carbon पे connect होगा, मतलब क्या हो गया, एक H तो HD से लेके चलूँ, यहाँ पे दो H है ना, एक H को HD से लेके चलना, ये H connected carbon से, एक कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ कार्बन आयन की फॉर्म में और जब दूसरा ऑक्सीजन होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एडिशन होके मिलेगी कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, आगे बढ़ा तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस इज एसीटोन. ये एसीटोन कंपाउंड प्रिपेयर कर रहा है और दिस इज फॉर्मिंग एसिड. कर लोगे तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेन होता है टर्शियरी अल्कोहल कंपाउंड. ओके तो ये था टर्शियरी अल्कोहल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, और भी एग्जांपल वो कर सकते हो. सबसे पहले कि ये जो अपना टर्शियरी अल्कोहल कंपाउंड है इसको अल्किन कंपाउंड में ग्रहण करना, उसके बाद अल्किन कंपाउंड अगेन ऑक्सीडाइज होगा कीटोन और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के अंदर. ओके तो ये थे अपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन. चलो अब बात करते हैं लास्ट रिएक्शन डी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. तो देखो कैसे क्या होता है, जो अपनी तीसरे टाइप के रिएक्शन है उसकी थर्ड रिएक्शन आती है. क्या नाम है इसका, डी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. डी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है, डी मीन्स रिमूव, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन. एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम्स उस रिएक्शन से एलिमिनेट हो जाए, रिमूव हो जाए, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. तो देखो यहाँ पे भी तीन केस आते हैं. पहला जो केस आएगा वो आएगा प्राइमरी अल्कोहल का, दूसरा आएगा सेकेंडरी अल्कोहल का, और वह जो तीसरा आता है वो आता है टर्शियरी अल्कोहल. तो ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे करवाओगे वो कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन टेक प्लेस करती है. ठीक है, जो हमने यहाँ पे तीन केस डिस्कस करे हैं फिलहाल बताए हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल के लिए ये तीनों केमिकल अल्कोहल कंपाउंड कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो किस टाइप से रिएक्शन टेक प्लेस करवाओगे, जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो रिएक्शन को टेक प्लेस करेगा, मतलब उसका डी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन टेक प्लेस करेगा और लास्ट में एल्डिहाइड कंपाउंड प्रिपेयर होगा, जिसकी अभी हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी थी. सेम एनर्जी डी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन टेक प्लेस कर देगी. ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में पीछे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर प्राइमरी अल्कोहल में सबसे पहले क्या था, एल्डिहाइड कंपाउंड, और फिर बाद में क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो वो रिएक्शन टेक प्लेस कर रही थी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, वो रिएक्शन टेक प्लेस कर रही थी, जबकि ये जो डी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन टेक प्लेस करेगी ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन टेक प्लेस करती है. ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर लेके चलोगे तो क्या होगा, ये कंट्रोल रिएक्शन को करता है, जबकि ऑक्सीडेशन कैसे हो रही थी, कंट्रोल एक्शन रिएक्शन. ठीक है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो ये कंट्रोल रिएक्शन फॉर्म करेगा. तो कैसे करेगा, देखो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो हमेशा एल्डिहाइड कंपाउंड फॉर्म करेगा, कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन टेक प्लेस करेगी. सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन कंपाउंड ऑब्टेन करता है, और वह जो टर्शियरी अल्कोहल है वो अल्किन कंपाउंड ऑब्टेन करता है. ठीक है, तो देखो पहला केस आएगा और प्राइमरी अल्कोहल जिसकी हमने एग्जाम्पल लिया आ CH2 और दिस इज OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज या कहते हो डी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इन प्रोसेस ऑफ कॉपर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है, जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो एल्डिहाइड कंपाउंड में तो कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रोसेस ऑफ कॉपर कैटायन.
होंगे, यहाँ से तो लेके चलो भाई हाइड्रोजन और यहाँ से भी हाइड्रोजन चलना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एच टू की फॉर्म में एलिमेंट हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन एटम है कंबाइन हुए और एच टू की मॉलिक्यूल मतलब एच टू मॉलिक्यूल के फॉर्म में एलिमेंट हो गए, क्योंकि रिएक्शन का नाम क्या है डी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, मतलब रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम रिमूव होने बस, तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होते हुए हाइड्रोजन गैस यहाँ से एलिमेंट होगी एंड करना है तो कार्बन है एंड इट गिव एंड रिएक्ट कंपाउंड, ये किसमें कन्वर्ट हो गया भाई एंड रिएक्ट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, करो भाई तो प्राइमरी एल्कोहल हमेशा क्या देते हैं एंड रिएक्ट कंपाउंड। चलो बात करो अब टर्शियरी एल्कोहल की या सेकेंडरी एल्कोहल, चलो पहले सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल कन्वर्ट इनटू कीटोन कंपाउंड इन परसेंट जो कॉपर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है तो क्या पड़ेगा देखो भाई यहाँ से एच एलिमिनेट हो हाइड्रोजन गैस एंड बी ओपनिंग कीटोन कंपाउंड, ये कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा देन इट यू आर कार्बोनाइल आर देन इट यू कीटोन कंपाउंड, ठीक है प्राइमरी एल्कोहल हो गया सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। चलो अब बात करो टर्शियरी एल्कोहल, तो टर्शियरी एल्कोहल को देखो टर्शियरी एल्कोहल अल्किन कंपाउंड ऑब्टेन करता है जिसकी एग्जांपल है लो सी एच थ्री कार्बन सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच will be strongly heated in presence of copper then we obtain alkene compound, यहाँ से एच यहाँ से अच्छा यहाँ से ओ एच यहाँ से एच एलिमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स देन वी ऑब्टेन अल्किन कंपाउंड, तो क्या हो गया सी एच थ्री कार्बन सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच देन इट गिव अल्किन कंपाउंड, और कंपाउंड का नाम क्या भाई टू मिथाइल प्रोपीन, जो पीछे रिएक्शन पड़ी थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हमने डिस्कस किया था वही कंसेप्ट यहाँ पे लेके चलना है, वो तो कंट्रोल लेस रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा था जबकि ये क्या होगी कंट्रोल रिएक्शन यहाँ पे टेक प्लेस करती है, ठीक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हो रहा था जबकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन टेक प्लेस करती है, ठीक है तो ये था अपना डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ओके केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल अपनी कंप्लीट हुई, तीन टाइप की केमिकल रिएक्शन हमने एल्कोहल कंपाउंड की डिस्कस की थी, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, ठीक है फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज हम अब स्टडी करेंगे, तो देखो जो फिनोल कंपाउंड होता है वो एक रिएक्टिव कंपाउंड होता है, फिनोल्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एट ऑक्सीजन एटम इन द फिनोल कंपाउंड, ठीक है फिनोल कंपाउंड में जो अपना ऑक्सीजन एटम होगा उस पर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से जो अपना फिनोल कंपाउंड होता है वो रिएक्टिव कंपाउंड होता है, ठीक है तो फिनोल्स आर रिएक्टिव कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एट द ऑक्सीजन एटम। ओके अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज होगी कि जो फिनोल होता है वो रिएक्टिव होता है, चलो अब बात कर लो केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल, तो फिनोल कंपाउंड की जो केमिकल रिएक्शन होगी उसको हम तीन पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल्स क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग थ्री टाइप्स, फर्स्ट वन रिएक्शन विद बेंजीन, सेकेंड रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप एंड थर्ड स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है तो देखो फिनोल कंपाउंड एक रिएक्टिव कंपाउंड है क्यों होता है अभी हमने बताया, उसके बाद जो फिनोल कंपाउंड है उसकी केमिकल रिएक्शन को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, कौन कौन से तीन पार्ट्स आएंगे देखो पहले जो टाइप है वो है रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, फिनोल कंपाउंड में जो बेंजीन रिंग होगी उसके द्वारा जो रिएक्शन टेक प्लेस करती है वो पढ़नी है,
दूसरी रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप मतलब जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं जो डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट हो, तो वो हाइड्रोक्सी ग्रुप फिनोलिक ग्रुप की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन हमने कौन सी है, रिएक्शन विद या रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप की रिएक्शन। और जो तीसरे टाइप है वो है स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो फिनोल की जो केमिकल रिएक्शन उसको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया, रिएक्शन विद बेंजीन लिंक, रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप और स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये तीन टाइप के केमिकल रिएक्शन हमें इस लेक्चर में स्टडी करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले टाइप की केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद बेंजीन लिंक। इसका जो पहले टाइप की रिएक्शन आती है रिएक्शन विद बेंजीन रिंग। ठीक है, तो देखो भाई, पहले टाइप की रिएक्शन में हम फिनोल कंपाउंड की जो पैरा मेटा और जो ऑर्थोसाइड होती है उसकी रिएक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो वहां पे हमने फाइंड आउट कर रहे हैं कि ऑर्थो पैरा मेटा इन तीनों साइड में से कौन सी साइड मोर रिएक्टिव होती है और कौन सी साइड लेस रिएक्टिव होती है, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो, फिनोल कंपाउंड में जो बेंजीन रिंग की ऑर्थो और जो पैरासाइट होगी वो मोर रिएक्टिव साइट होती है एज कंपेरिजन टू मेटा साइट। ठीक है, क्या कहा कि जो अपना फिनोल कंपाउंड है, फिनोल कंपाउंड में जो बेंजीन रिंग होगी उसकी ऑर्थो और पैरासाइट मोर रिएक्टिव साइट है एज कंपेरिजन टू मेटा। ठीक है, रीजन क्या कहोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एट ऑर्थो एंड पैरासाइट इन बेंजीन रिंग। ओके, तो देखते हैं, तो अपने पास यहाँ पे एक पॉइंट आ गया क्या, ऑर्थो एंड पैरा साइड्स ऑफ बेंजीन इन फिनोल कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेरिजन टू मेटा साइड। ठीक है, ऑर्थो पैरासाइट बेंजीन रिंग की मोर रिएक्टिव होगी मेटा के कंपेरिजन में, तो क्या रिजल्ट आओगे, रीजन क्या आएगा, डू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्थो एंड पैरा साइट्स इन बेंजीन बाय मेटासाइट नॉट या डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब रेजोनेंस बनाएंगे, फिनोल कंपाउंड का रेजोनेंस फॉर्म करेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि जो ऑर्थो और जो पैरासाइट होती है बेंजीन कंपाउंड की, वहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जिस वजह से ऑर्थो एंड पैरासाइट मोर रिएक्टिव साइट्स होगी, जबकि मेटासाइट पे कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से वो क्या होती है, लेस रिएक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेस रिएक्टिव होगी एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, तो चलो हम बात कर लेते हैं रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस देख लो, रेजोनेंस के द्वारा हम इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये रेजोनेंस क्या होगा, रेजोनेंस ऑफ फिनोल, रेजोनेंस ऑफ फिनोल, फिनोल कंपाउंड का रेजोनेंस। तो देखो किस टाइप का फॉर्म होगा, दिस इज फिनोल कंपाउंड। ठीक है, हमें रेजोनेंस फॉर्म करना है, तो देखो किस टाइप से करोगे, ये देखो अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट है, ये तो क्या कहलाता है, कार्बन ये बीटा कार्बन, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड आ रहा है इसको ब्रेकआउट करेंगे। तो जैसे ही इस केमिकल बॉन्ड को ब्रेकआउट करोगे तो क्या आएगा,
सेकंड कार्बन का आ गया 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज और यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, हमने रेफरेंस यहां पे फॉर्म करने का मौका। अब जैसे पहले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन हो रहे हैं तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स सीधा क्या करेगा कार्बन एटम पे कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे यहां पे लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहां पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो भाई देखो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में तो क्या आ गया डबल बॉन्ड। पहले दो लोन पेयर थे तो यहां पे प्रोजेक्ट था ऑक्सीजन एटम के ऊपर, बट एक ऑक्सीजन मतलब एक लोन पेयर कार्बन एटम पे अटैक कर रहा है तो अटैक करने के बाद ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर बस आता है और साथ में हाइड्रोजन एटम यहां पे प्रोजेक्ट होता है। अब ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दिया तो ऑक्सीजन पे क्या क्या होगी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहां पे क्या हो गया Cl पे नेगेटिव चार्ज और ये दो बॉन्ड एडिशंस। तो ये अपना सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट रेजोनेंस की बात करें तो अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी वो कैसा दिखेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ कार्बन की। तो क्या करना है थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में जो केमिकल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक आउट करो। तो यहां पे आ गया वन पेयर नेगेटिव चार्ज और यहां पे आएगा पॉजिटिव। अब जैसे थर्ड कार्बन के पास चार्ज डेवलप हुआ तो सेकंड कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो सीधा कार्बन कैटायन पे कनेक्ट होगा एंड इट फॉर्म द डबल बॉन्ड। इनके बीच में क्या बन गया डबल बॉन्ड। तो देखो क्या होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पे H और ये लोन पेयर एडिटिव और यहां पे आ गया OH चार्ज। ठीक है, अच्छा अब सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में क्या हो रहा है डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ये बॉन्ड एडिटिव। अब यहां पे क्या है फोर्थ कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगले कंपाउंड की बात करूं अगले स्ट्रक्चर की बात करें तो अगले देखो भाई ये फोर्थ कार्बन था अब बात कर रहा हूं फोर्थ और फिफ्थ इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है और फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन में डबल बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड ब्रेक आउट होगा तो जैसे बॉन्ड ब्रेक आउट होगा तो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डबल हो रहे हैं तो लोन पेयर से तरह कनेक्ट होगा इस पॉजिटिव चार्ज पे देन इट फॉर्म द डबल बॉन्ड। यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो क्या है भाई बेंजीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक लोन पेयर और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड ब्रेक आउट हो गया ना तो यहाँ पे आ गया लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये लोन पेयर कनेक्ट होगा और यहाँ पे आपके पास मतलब यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी क्या है डबल बॉन्ड। ठीक है, अगला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा वो देखो किस टाइप से हो रहे हैं। अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन अल्फा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है इस बॉन्ड को दोबारा से ब्रेक आउट करो तो ऑक्सीजन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू कार्बन। तो जैसे बॉन्ड को ब्रेक आउट करोगे तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो ये लोन पेयर सीधा पॉजिटिव चार्ज पे डेवलप होगा मतलब अटैक करेगा और अटैक करने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड अगेन फॉर्म हो जाएगा। तो क्या है भाई यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड एडिटिव और ये डबल बॉन्ड एडिटिव। सही है, ऑक्सीजन पे पहले क्या था पॉजिटिव चार्ज पहले से आ रहा था। अब जैसे हमने डबल बॉन्ड को ब्रेकआउट किया तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे आ गया ऑक्सीजन के पास और साथ में नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन में क्या है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज डेवलप हो रहे हैं तो इट बिकम न्यूट्रल। तो यहाँ पे आ जाएंगे दो लोन पेयर और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑब्टेन होंगे 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, तो ये है पॉसिबिलिटी पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। फिनोल के पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हैं हम। अब फिनोल का रियल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। तो फिनोल कंपाउंड का जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो कहलाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग की बात करें बेंजीन कंपाउंड की बात करें तो देखो पहले और दूसरे कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड ये रोटेट करना स्टार्ट किया तो ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया दूसरे
ये रोटेशन करेगा फिर कहाँ पर आ जाएगा वो छठे पांचवे कार्बन में, और फिर रोटेशन करने के बाद पांचवे छठे कार्बन पर आ गए, और फिर बाद में सिक्स और फर्स्ट कार्बन पर आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब रेजोनेंस यहाँ पर ओपन किया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब हमने यहाँ पे फॉर्म किया, तो वहाँ पे केवल डबल बॉन्ड की रोटेशन हो रही है, डबल बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं साथ साथ ये जो डबल बॉन्ड की रोटेशन होती है और साथ में जो चार्ज की रोटेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पहले डबल बॉन्ड कहाँ पे था, पहले दूसरे कार्बन में, रोटेट करके कहाँ पे आ गया भाई, दूसरे तीसरे कार्बन में, फिर कहाँ पे चला गया, तीसरे चौथे कार्बन में, फिर चौथे पांचवें कार्बन पे, और फिर कहाँ पे आ गया, फिफ्थ और सिक्स कार्बन पे अगेन रोटेट किया, और फिफ्थ और सॉरी सिक्स और फर्स्ट कार्बन पे दोबारा आ जाता है। ठीक है, और साथ में नेगेटिव चार्ज भी रोटेट करते हैं, पहले नेगेटिव चार्ज जो ऑपोजिशन पे था, ये अपना ग्रुप है ना, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा, तो पहले चार्ज कहाँ पे था, नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन ग्रुप के ऑर्थो साइड पे, फिर कहाँ चला गया भाई, पैरा साइड पे, और फिर कहाँ चला गया, ऑर्थो साइड। ठीक है, तो देखो हम रियल स्ट्रक्चर रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो डबल बॉन्ड की रोटेशन है इसको हम सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो सर्कल बना रहे हो ये डॉटेड लाइन से रोटेट करते हैं। ठीक है, साथ में नेगेटिव चार्ज भी रोटेट कर रहे हैं, पहले ऑर्थो साइड पे, फिर कहाँ पे आ गया, पैरा साइड पे, और फिर दोबारा कहाँ पे आ गया, ऑर्थो साइड पे, एज कंपेयर्ड टू मतलब विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप, तो साथ में नेगेटिव चार्ज भी रोटेट कर रहे हैं और ये किसे कनेक्ट है, OH ग्रुप से। ठीक है, एक बात और, पहले लेक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना चाहो तो पार्शियली बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड रोटेट कर रहा है तो क्या करना, जब रियल स्ट्रक्चर बनाओ तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी पार्शियली डबल बॉन्ड को अंतर होगा, तो ये है इसका रियल स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं इसका नाम, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अपने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। तो अपना क्वेश्चन ये था कि फिनोल कंपाउंड में जो बेंजीन रिंग है उसकी ऑर्थो और पैरासाइट मोर रिएक्टिव होती है एज कंपेरिजन टू मेटा, क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्थो एंड पैरासाइट। ऑर्थो है, देखो हाइड्रोजन ग्रुप है ना, इसके हाइड्रोजन ग्रुप के ऑर्थो साइड की बात करें तो देखो ये ग्रुप हो गया, ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा, ये हो गया पैरा, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहे हैं, ऑर्थो पे, फिर रोटेट करके कहाँ पे चला गया, पैरा पे, और फिर कहाँ पे आ गया, ऑर्थो पे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज और जो नॉन पेयर है वो ऑर्थो और मेटा पे, सॉरी ऑर्थो एंड पैरा पे कंटेन कर रहे हैं, इस वजह से बेंजीन रिंग की जो ऑर्थो और जो पैरा साइड होगी वो मोर रिएक्टिव होती है, मेटा साइड लेस रिएक्टिव होती है। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये है रिएक्टिविटी, बेंजीन कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है, साइड की जो रिएक्टिविटी है उसको हमने एक्सप्लेन करा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन की, तो पहले टाइप की केमिकल रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन तो बेंजीन रिंग, जो पहले टाइप की केमिकल रिएक्शन है उसकी फर्स्ट रिएक्शन हम अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो क्या पहले केमिकल रिएक्शन क्या होगी वो देखो, पहले टाइप की केमिकल रिएक्शन आती है पहले टाइप की केमिकल रिएक्शन यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पहले टाइप की केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्शंस को विद बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के बेंजीन रिंग से रिएक्शन। ठीक है, तो जो पहले टाइप की केमिकल रिएक्शन है सबसे पहले ये बताएगा कि जो फिनोल कंपाउंड्स है, फिनोल कंपाउंड्स हमेशा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, जिसकी ब्रोमिनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है, हैलोजिनेशन तो आ गया, सल्फोनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, ईटीसी। ओके, तो सिंपल ये कह सकते हो फिनोल कंपाउंड्स ड्यू एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट वन ब्रोमिनेशन रिएक्शन, सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी,
ब्रोमिनेशन रिएक्शन देखते हैं। तो देखो ब्रोमिनेशन रिएक्शन मींस एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। हमें ब्रोमीन यहाँ पे एडिशन करवानी है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ब्रोमीन पार्ट अटैक करे फिनोल कंपाउंड के अंदर, तो वो क्या कहलाती है? ब्रोमिनेशन रिएक्शन। तो ये जो ब्रोमिनेशन रिएक्शन होगी ये तीन केसेस में टेक प्लेस करती है। जो पहला केसेस आएगा वो आता है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। दूसरा ब्रोमीन से रिएक्शन कराओगे बट यहाँ पे कैटलिस्ट अलग होगा, तो चलो देख लेते हैं क्या करते हैं। तो भाई पहली रिएक्शन कौन सी आती है? ब्रोमिनेशन रिएक्शन। तो दिस इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो लिखना चाहो तो यहाँ पे पहले रिप्रेजेंट करो फिर बाद में देखते हैं। तो अपने पास रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहले रिएक्शन कौन सा है भाई? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन मींस एडिशन विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। इसमें तीन केस आएंगे। जो पहला केस आएगा वो देखो क्या आएगा। इन फर्स्ट केस फिनोल कंपाउंड रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, देन इट गिव 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल कंपाउंड, ओके। पहले केस में जो फिनोल कंपाउंड होगा उसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराओगे तो हमें यहाँ पे 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल कंपाउंड ऑब्टेन होता है। तो चलो देखो कैसे क्या, दिस इज फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर मीन्स एक्वस ब्रोमीन सॉल्यूशन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ब्रोमीन वाटर का मतलब क्या है कि जो ब्रोमीन लेके चलोगे वो एक्वस की फॉर्म में लेके चलोगे, मतलब वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो क्या होगा? ब्रोमीन प्रेजेंट इन वाटर, वाटर में प्रेजेंट है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन, ओके। मतलब सिंपल ब्रोमीन प्लस वाटर गिव ब्रोमीन सॉल्यूशन, ये ब्रोमीन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं या ब्रोमीन वाटर कहते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन अमाउंट मतलब ब्रोमीन कंपाउंड लेके चलोगे वो इस केस में लार्ज अमाउंट लेके चल रहे हैं। जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल लेके चलोगे वो हमेशा एक्सेस अमाउंट में ही लेके चलोगे, ठीक है। जब एक्सेस अमाउंट में लेके चलोगे तो हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल कंपाउंड ऑब्टेन होता है। कैसे? देखो ये अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट है, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ, सिक्स्थ कह सकते हो। तो जो रिएक्टिव साइड होगी जहाँ पे ब्रोमीन सीधा कनेक्ट होगा वो कौन कौन सी साइड पे कनेक्ट होगा? सेकेंड पे, फोर्थ पे और सिक्स्थ पे। यहाँ पे ब्रोमीन को लार्ज अमाउंट में लेके चले तो जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल अटैक करेगा वो बेंजीन की एक तो सेकेंड साइड पे कनेक्ट करेगा और दूसरा फोर्थ साइड पे और तीसरा सिक्स पे, इन तीनों साइड पे ये सीधा ब्रोमीन अटैक करेगा। तो यहाँ पे कितनी साइड प्रेजेंट है? तीन। अच्छा, अटैक करने से पहले यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या करो भाई, ब्रोमीन के थ्री मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लेके चलो, ब्रोमीन के तीन मॉल लेके चल रहा हूँ। एटम की बात करें तो सिक्स एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो देखो इसको हम ऐसे ही प्रेजेंट करें, बीआर बीआर, ये तो एक मॉल हो गया, दूसरा बीआर बीआर, तो तीन मॉल ब्रोमीन के यहाँ पे प्रेजेंट है। तो तीन तो यहाँ पे एच, तीन एच यहाँ से लेके चलना और ये तीनों एच कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? एक ब्रोमीन से सीधा कनेक्ट होंगे और क्या रिमेंट हो जाएगा? थ्री मॉल ऑफ एच बी आर, ठीक है। सेकेंड, फोर्थ और सिक्स इन साइड से तीनों हाइड्रोजन सीधा तीन ब्रोमीन से कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होने के बाद थ्री मॉल हाइड्रोब्रोमाइड कंपाउंड के यहाँ पे ऑब्टेन होंगे। कर दिया। अब जो रिमेनिंग ब्रोमीन है वो सीधे तीन साइड पे सीधा कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होने के बाद हम ये टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो
फॉर्म यहाँ पे ओके होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ब्रोमिनेशन रिएक्शन का पहला पॉइंट क्या आ गया? ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, फिनोल का होगा तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेगा, यहाँ पर ब्रोमीन को एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन हो गए, तो भाई सेकंड फोर्थ सिक्स्थ इन तीनों साइड से तीन हाइड्रोजन सीधा तीन ब्रोमीन से कंबाइन होते हुए थ्री एच बी आर ग्लूकोज एलिमिनेट कर देगा, जो बाकी तीन बच गए वो सीधा इन साइड पर सीधा अटैक करेंगे और अटैक करने के बाद हमें टू फोर सिक्स ट्राइल ब्रोमो फिनोल कंपाउंड ओपन होगा। तो ये है पहला केस, समझ गए होगा। चलो सेकंड केस की बात करें, तो सेकंड केस में क्या होगा, इन दिस केस इन दिस रिएक्शन फिनोल कंपाउंड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2O इन CCl2। ठीक है, इस केस में फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन ब्रोमीन से करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइऑक्साइड या इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, या तो ये सॉल्यूशन एक जगह ऐसे कैटलिस्ट या फिर ये सॉल्यूशन यहाँ पे कैटलिस्ट करे काम करेगा। तो इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ब्रोमीन कंपाउंड मतलब जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है वो फिनोल कंपाउंड से अटैक करेगा और अटैक करने के बाद यहाँ पे दो पॉसिबल कंपाउंड ओपन होते हैं, एक तो पहला कंपाउंड ओपन होगा और दूसरा और दो कंपाउंड ओपन होते हैं। ठीक है, जो पहला कंपाउंड होगा वो मेजर कंपाउंड होते हैं मतलब लार्ज अमाउंट में ओपन होगा और जो भी और दो कंपाउंड ओपन होगा वो लेस अमाउंट में होते हैं। तो देखो किस टाइप से कौन होगा, देखो हाइड्रोजन से ग्रुप हो गया। चलो बात कर लेते हैं माइनर कंपाउंड की, लेस कंपाउंड की बात कर लेते हैं, लेस कंपाउंड कौन सा होगा। तो देखो भाई ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप के रेस्पेक्ट की बात करें तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये हो गया ऑर्थो साइड, ये हो गया मेटा साइड और ये हो गया पैरा साइड, ये अपना पैरा साइड है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन पर जाएंगे, हाइड्रोजन पर जाएंगे। तो हम बात करें माइनर कंपाउंड, माइनर मतलब ऑर्थो साइड वाले कंपाउंड, जो ऑर्थो साइड कंपाउंड है वो माइनर होगा और जो पैरा साइड होगा वो मेजर होगा। तो चलो ऑर्थो में क्या कनेक्ट है, हाइड्रोजन, ये Br2 है, Br2 मतलब दो ब्रोमीन एटम आपस में कंबाइन है, तो भाई यहाँ से एच यहाँ से Br कंबाइन होकर क्या बना देगा HBr, HBr कंपाउंड यहाँ से एलिमिनेट हो गया और जो सेकेंड ब्रोमीन होगा वो सीधा इस कार्बन पे कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये है ऑर्थोसाइड कंपाउंड। चलो नाम देखो इसका, कंपाउंड का नाम क्या हो गई, ये आगे पड़ा वन और ये आगे टू, तो क्या नाम है इसका, टू हाइड्रोक्सी ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, कॉमन नेम की बात करें तो क्या हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो ये ऑर्थो साइड कंपाउंड है और ये कैसे माइनर कंपाउंड ओपन हो रहा है, लेस अमाउंट में ओपन हो रहा है, प्लस में देखो भाई इस कंपाउंड में एक और नाम हो सकते हैं क्या, इसमें ऐसे करो ये तो कंपाउंड क्या हुआ फिर, ये तो मेन कंपाउंड है, ये साइड में साइड वाला तो लेके चलो, तो भाई क्या नाम हो गया, तो कॉमन की बात करें कॉमन नेम क्या हुआ, तो क्या हुआ ये तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, इसके रिस्पेक्ट में और तो साइड होगी तो क्या गया और तो दिस इज ब्रोमो और दिस इज फिनोल। ठीक है, ये कंपाउंड माइनर में आएगा, मेजर देखो मेजर में क्या आएगा, पैरासाइड कंपाउंड आते हैं तो ये और तो मेटा पैरा तो यहाँ पे क्या पहुंचे थे एच, तो यहाँ से एच यहाँ से बी आर टर्मिनेट हो एच बी आर, ये ब्रोमीन यहाँ पे कंबाइन हो गया तो इट गिव फोर ब्रोमो फिनोल, हमें क्या मिलेगा और ब्रोमो फिनोल ओपन होगा। एक और नाम ये तो है पिछली में कॉमन नेम की बात रहती है
दिस इज पैरा ब्रोमो ठीक है, ये अपना मेजर कंपाउंड है, दिस इज मेजर। मान लो ये 80% कंप्लीट होता है तो ये क्या होता है 20% कंप्लीट होगा, सही है। तो सेकंड केस में फिनोल कंपाउंड ब्रोमिन से रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रोसेस ऑफ CH2 या फिर CCl4, तो यहाँ पे दो पॉसिबल कंपाउंड आ गए, एक तो ऑर्थोसाइड कंपाउंड दूसरा पैरासाइड कंपाउंड। ऑर्थोसाइड पे क्या हो गया, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल या एथो टू ब्रोमोफिनोल 20% मान लो फॉर्म हो रहा है माइनर नंबर। मेजर में क्या आएगा, 4 ब्रोमोफिनोल या फिर एथो पैरा ब्रोमोफिनोल, मेजर है तो क्या होगा मान लो 80% फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये दो केस हमने फिलहाल पढ़े हैं ब्रोमिनेशन की। अब तीसरे केस की बात करें तो तीसरा केस देखो, तीसरा केस क्या है, इन दिस रिएक्शन या इन दिस केस फिनोल कंपाउंड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन लिमिटेड अमाउंट इन प्रोसेस ऑफ लैटिस एसिड AlCl3 या कहे तो FeCl3। ये जो रिएक्शन होगी लैटिस एसिड AlCl3 या फिर FeCl3 की प्रोसेस में रिएक्शन टेक प्लेस करती है, तो क्या रिएक्शन फॉर्म होगी, यहाँ पे केवल ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड ही ओपन होता है, ठीक है। इस केस में केवल ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड ही ओपन होते हैं, बाकी में जब आता है बाकी में यहाँ पे सेकंड केस में क्या था, ऑर्थो और पैरा दो साइड कंपाउंड कम हुए थे, यहाँ पे केवल ऑर्थो साइड कंपाउंड ओपन होगा। कैसे देखो, ऑर्थो पड़ेगा या हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में, ये अपना ऑर्थो साइड प्रेजेंट है तो यहाँ से एच, यहाँ से ब्रोमीन एलिमिनेट ऑफ एच दिया, सेकंड ब्रोमीन है कंबाइन विद दिस कार्बन एटम, जो सेकंड ब्रोमीन होगा वो सीधा इस कार्बन पे कनेक्ट होगा एंड इट गिव टू ब्रोमो फिनोल या फिर कहते हो कॉमन नेम क्या इसका, ऑर्थो ब्रोमो, ठीक है। तो ये ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड यहाँ पे होती है। तो भाई ब्रोमिनेशन रिएक्शन में तीन केस आते हैं, पहले केस में ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन लेके चलोगे, इस केस में ब्रोमीन एक्सेशनल ब्रेक चलोगे, तो अपने पास 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनोल कंपाउंड ऑप्टेन होते हैं। सेकंड केस में फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ CH2 या CCl4, तो हमें यहाँ पे दो कंपाउंड ऑप्टेन हुए, एक तो ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड और दूसरा पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड। ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड माइनर कंपाउंड है और जो पैरा है वो मेजर कंपाउंड ऑप्टेन हो रहे हैं। सेकेंड केस में फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराओगे लिमिटेड अमाउंट में इन प्रेजेंस ऑफ लैटिस एसिड AlCl3 या FeCl3, हमें यहाँ पे ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड ओपन होता है, ठीक है। तो दिस इज द ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ओके। आगे देखो सेकंड रिएक्शन आती है, सेकंड रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। तो देखो किस टाइप से ओपन होगा, आगे देखो सेकंड रिएक्शन आती है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन मीन्स रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड HNO3, हमें नाइट्रिक एसिड HNO3 कंपाउंड से रिएक्शन करवानी है। तो देखो इस रिएक्शन में भी दो केस आएंगे, पहला जो केस आएगा उसके अंदर फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन डायल्यूट HNO3 से करवानी है। तो जैसे फिनोल की रिएक्शन डायल्यूट HNO3 से कराओगे तो हमें दो टाइप के कंपाउंड ऑब्टेन होंगे, एक तो ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड और दूसरा पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड। सेकेंड केस में फिनोल कंपाउंड की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 कंपाउंड के साथ करवाओगे तो हमें पीक्रिक एसिड यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। तो चलो हमें क्या बताया देखते हैं, पहला केस देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट केस क्या है, फॉर्मेशन हो या रिएक्शन विद कंसनट्रेट HNO3, ठीक है, तो यहाँ पे दो कंपाउंड ऑप्टेन होते हैं, एक तो ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड और दूसरा पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड।
mamá.